हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर सॉल्यूशंस, लेक्चर नंबर 12, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस किया था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, है ना। तो उसको हमने क्या बोला था? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेक्चर नंबर 11 में आपने इसको समझ लिया था। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि सॉल्यूशन में आ रही है तो सॉल्यूट की वजह से हो रही होगी। हमने देखना है इसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हियर, नंबर फर्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मीनिंग आपको समझना है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, ये सॉल्यूशन रखा। अब इस सॉल्यूशन में मोर सॉल्यूट, ये ड्रॉपलेट जो आपको दिखाई दे रही है, मोर सॉल्यूट और लेस सॉल्वेंट, लेस सॉल्वेंट, मोर सॉल्यूट, हाइपर, हाइपर टर्म का मीनिंग ही है मोर सॉल्यूट, ऐसे आप समझ लीजिए, मोर सॉल्यूट होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको हमने बोल दिया हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इस वाले में स्टूडेंट क्या करा हमने, दूसरा जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं मोर सॉल्वेंट प्लस लेस सॉल्यूट। तो अब समझना बात को, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये क्या है बीच में? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM इज नोन एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से देखो प्रेशर, अब वाटर का फ्लो किधर होगा? इधर से इधर होगा, क्योंकि मोर यहाँ पे वाटर है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? द फ्लो ऑफ द वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू देयर हायर कंसंट्रेशन और हायर अमाउंट टू वर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपने ये पढ़ लिया था। अब देखो समझो, जब यहाँ से वाटर इधर फ्लो होगा तो यहाँ पर क्या है? मोर सॉल्यूट और यहाँ लेस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो इधर जा रहा है, इधर ज़्यादा सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन इधर प्रेशर लगाएगा। इसके फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा स्टूडेंट? प्रेशर लगेगा। तो हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? मोर ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे मोर ओपी होगा, ठीक है, देन द अदर। इस सॉल्यूशन से हम यह तो होगा नहीं, तो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल दिया, ठीक। फिर से मैं बता दूं हाइपरटोनिक का मीनिंग, ऐसे आप ध्यान रखना, हाइपरटोनिक, हाइपर मोर सॉल्यूट, मोर सॉल्यूट प्लस आप लेस सॉल्यूट, सॉरी लेस सॉल्वेंट, ठीक है बात। अब समझना, हमारे पास एक एग्जांपल है इसको समझने के लिए, जो बुक में भी दे रखा है, NCERT, ध्यान से पढ़ना। एक बीकर है और उसमें हमने क्या करा, 0.9% बाई मास जो होता है, 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl से ज़्यादा मोर कंसंट्रेशन, देन दिस मोर कंसंट्रेशन 0.9 से भी ज़्यादा कंसंट्रेट का ये सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन। अगर इसमें हमने कोई सेल रखी, अगर कोई लिविंग सेल रखी है हमने इसमें, तो क्या होगा? ये सेल क्या करेगी? वाटर यहाँ से यहाँ निकलेगा, क्योंकि सेल के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्जोस्मोसिस, एग्जोस्मोसिस, इसका जो वाटर है वो कम आउट, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज द एग्जोस्मोसिस। तो ऐसे सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप कोई सेल रखते हैं तो क्या होगा? उसका वाटर क्या आ जाएगा? उस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को हम इस तरह से समझेंगे। सेकंड बने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट? बहुत आसान सा है, इसको आप ऐसे ही समझ लेंगे। ये हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा मीनिंग। अब यहाँ पे मान लो ये ए सॉल्यूशन और ये बी सॉल्यूशन, इस वाले में क्या है? हाइपरटोनिक का मीनिंग है लो सॉल्यूट प्लस मोर सॉल्वेंट, लो सॉल्यूट प्लस मोर सॉल्वेंट। और यहाँ पर इधर वाले में क्या हो जाएगा?
मोर सॉल्यूट प्लस लेस सॉल्वेंट। तो देखो क्या होगा, अब इस वाले का सॉल्यूशन क्या, इस यहाँ पे क्या है, लेस सॉल्वेंट है, दिस इज द लेस सॉल्वेंट, और लेस सॉल्वेंट होने की वजह से ये वाटर इधर फ्लो करेगा, ऐसा होगा। मोर सॉल्यूट है और लेस सॉल्वेंट है, तो इधर का वाटर इधर आएगा, ध्यान रखना, जिधर वाटर ज़्यादा होता है यहाँ पे मोर सॉल्वेंट है तो वाटर इधर फ्लो करेगा, और इस वाटर को रोकने के लिए यहाँ पे प्रेशर ये वाला सॉल्यूशन लगाएगा, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, लो सॉल्यूट और मोर सॉल्वेंट, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और उसके साथ मैंने दूसरा सॉल्यूशन रखा अदर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मोर सॉल्यूट प्लस लेस सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, कम है, तो यहाँ का सॉल्वेंट इधर जाएगा ना, ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, तो प्रेशर किधर लगेगा, इधर ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा ना, यहाँ तो लगने से रहा नहीं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, लो वैल्यू ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो लो होता है दूसरे सॉल्यूशन का, ज़्यादा यहाँ पर, तो इसका सॉल्यूशन की इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, लो है। तो ऐसे सारे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है उसको हाइपोटोनिक कहते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। अब समझना, जैसे कि इसके उल्टा हो जाएगा, अगर ऐसे सॉल्यूशन में हमने कोई सेल रखी तो वाटर क्या करेगा, उसके अंदर फ्लो करने लगेगा। मान लो कोई सेल को मैंने यहाँ पर रखा है और यहाँ पर क्या रखा हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक। तो आप समझना कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लो सॉल्यूट है तो दूसरी सेल यहाँ का, अब क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है वो क्या करेगा, ध्यान रखना, अंदर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हाइपरटोनिक में सॉल्वेंट ज़्यादा और सॉल्यूट कम है, तो यहाँ पे एंडोस्मोसिस होती है, इसको एक नाम दे देते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, ठीक। तो ये टू टाइप्स ही हो गए, अभी एक टाइप और बचता है, थ्री टाइप्स का होता है, उसको देखते हैं, इसको नोट कीजिए, अब थर्ड है स्टूडेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, और बीच में मैंने क्या कर लगाई, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को फिल कर दिया। अब समझना इसको, जो ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल इनकी जो कंसंट्रेशन है बराबर है, मतलब ये सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन के बराबर है, ए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बराबर है, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे जितना सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन की, अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो बराबर होगी ये सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बी के। अब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बिल्कुल इक्वल अमाउंट में, तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ए और बी का बिल्कुल बराबर होगा, तो बॉस सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ये इधर लगा रहा है इस सेमी परमेबल पे, उतना ही ये ऑस्मोटिक प्रेशर लगा है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, जिसकी वजह से कोई भी इधर फ्लो नहीं होगा, ना ये इधर फ्लो होगा ना ये इधर फ्लो होगा। यानी यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर हमें दे दिया गया है तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं होती है, तो नो ऑस्मोसिस फिनोमिना, ऑस्मोसिस ध्यान रखना इस बात, यहाँ पर ऑस्मोसिस की फिनोमिना नहीं हो, ठीक। अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की, जो बहुत सारे वाटर प्यूरीफायर होते हैं, हम इन शॉर्ट में इसको RO भी कहते हैं स्टूडेंट, आपने घरों में लगाते हैं ना कैंट RO वगैरह, तो ये क्या है RO, इन शॉर्ट वी कैन से द RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या, देखो यहाँ पे क्या है, ये फ्रेश वाटर है तो ये सॉल्यूट है, अब यहाँ पे सॉल्ट वाटर है तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, इस वाले में सॉल्वेंट भी है और क्या है यहाँ पर सॉल्यूट भी है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये वाटर इधर फ्लो करना चाहिए, सॉल्ट है ना, तभी तो ऑस्मोसिस बोलेंगे, लेकिन हमने क्या करना है,
ये जो है ये सॉल्टी वाटर है, उसके नमक को हटाना है हमें, प्योर करना है वाटर को। तो हमने क्या करना होगा, जो सी वाटर है इसमें क्या है, यानी सॉल्टी है, इसको हम सॉल्टी वाटर कह सकते हैं। जो सॉल्टी वाटर है हमने इसके वाटर को इधर निकालना है, फ्रेश करना है। तो हम क्या करते हैं, पिस्टन से इस सिलेंडर में इधर की साइड बहुत ज़्यादा प्रेशर हमने लगाना है। मशीनों से प्रेशर लगा के यहाँ से जो ऑस्मोसिस तो इधर को होनी चाहिए थी, ऑस्मोसिस कैसी होनी चाहिए थी, ऑस्मोसिस इधर को होना चाहिए, तो हम इसको ऑस्मोसिस कहते ऑस्मोसिस। लेकिन अब हमने क्या करा, बाहर से पिस्टन से प्रेशर लगाकर यहाँ पर जो भी प्रेशर लग रहा था ऑस्मोटिक प्रेशर का, जस्ट ज़्यादा लगा दिया, जिससे कि ये वाला जो अब सॉल्वेंट था वो इधर फ्लो करने लगा, इसको इसने रोक दिया, और ये अब सॉल्वेंट यहाँ से इस हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन से इधर फ्लो करना पड़ेगा। नहीं, ऑस्मोसिस का क्या हो गया, रिवर्स हो गया, और इस वाटर को हम यहाँ पे फ्रेश वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं। दिस इज द फ्रेश वाटर। तो समझें आप ध्यान से, फिर से एक बार समझेंगे, फ्रेश वाटर में सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट नहीं होता है, इसमें नमक होता है यानी सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है मेरीन वाटर या सी वाटर में। तो हमने क्या करा, पिस्टन से प्रेशर लगाया और ऑस्मोसिस होना इधर को था, अब उल्टा कर दिया, जस्ट इधर की ये प्रोसेस रोक दी और इधर को किया हमने, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हमने बोला, यानी द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। यानी ये जो प्रेशर है जो हमने लगाया है, पिस्टन वाला प्रेशर, जो पिस्टन से हम प्रेशर लगा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो यहाँ सॉल्टी वाटर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर फ्लो कर लेंगे, इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, इन शॉर्ट वी कैन से RO। आप इसकी एप्लीकेशन पूछ दिए आपसे, तो एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकती है बताइए। तो एप्लीकेशन जो है इसकी, आप कहेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। ध्यान रखना यहाँ पे इसकी जो यूज़ की एप्लीकेशन है वो क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर से सॉल्ट को हटाया जाता है, सी वाटर का प्यूरिफिकेशन जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस की हेल्प से किया जाता है। क्लियर होती है बात। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के जो लास्ट क्लास में टर्म्स बचे हुए थे, सॉल्यूशन के टाइप और रिवर्स ऑस्मोसिस, ये हमने कंप्लीट किया, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए। अब स्टूडेंट समझते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, इससे पहले आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं तो वो समझ लीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, या हम इनको बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ाएंगे वैसे वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट बढ़ाने पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम भी हो सकती है, या सॉल्यूट घटाने पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ भी सकती है। यानी यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अलग आएगी सॉल्यूट। अब एक बात ध्यान रखना, जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या यूज़ किया था, ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप निकाल लेते वहाँ पे सॉल्यूट जो था हमारा वो सॉल्यूट कैसा था, ध्यान रखना, जैसे कि ग्लूकोज ले लिया मैंने, ठीक, या फिर मैंने यूरिया ले लिया, तो ये वाले जो सॉल्यूट होते हैं नॉन वोलेटाइल तो है ही है, उसके साथ ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए आपने क्या बोलना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए आप बोलेंगे कि वहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो नॉर्मली आती है, जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाते हैं वैसे वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो सिंपल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने ये बात कर ली। अब मान लो हमने सॉल्यूट कैसा ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग होता है जो कैटायन और एनायन बना दे, कैटायन बना दे और बना दे एनायन, सॉल्यूशन में जाने पर कैटायन और एनायन का जो फॉर्मेशन कर देता है वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट्स है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, KCl इलेक्ट्रोलाइट है, इधर एसिडिक एसिड CaCl2, BaCl2, AlCl3, FeCl3, K3FeCN का होल थ्राइस, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं तो जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू से हटकर वैल्यू आती है। अब समझना होता क्या है, सपोज़ मैंने पोटेशियम क्लोराइड लिया और ये मैंने लिया 1 मोल और हमने इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया,
सॉल्यूशन में डिजोल्व करा तो ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूटेगा ही, डिसोसिएशन हो जाएगा। अब डिसोसिएट्स होने की वजह से इसमें देखो ऐसे ध्यान रखना, जैसे ये KCl पूरा आता तो एक वन मोल है, अब ये जब टूटेंगे जैसे कैटायन बना और एनायन, तो वन मोल कैटायन बन जाता है और वन मोल क्या बन जाएगा, एनायन बनेगा। ये भी वन मोल होते हैं कैटायन एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे वन मोल से कितने मोल बन गए टोटल, यहाँ पे वन मोल टू मोल बनने। तो सॉल्यूशन में जाने पर जो सॉल्यूट हमने यूज़ किया है उसके टू मोल बन गए, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में या मोलर मास में चेंजेस आ रहा है ना, तो एबनॉर्मल मोलर मास हो जाएगा। अब इसमें भी देख लो, जैसे हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, दिस इज द एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में आप समझना ध्यान से, एसिटिक एसिड को जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हमने, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टू मोल लिए मैंने, टू मोल एसिटिक एसिड जब इस तरह से हम लिखते हैं तो ये वन मोल है। ब्रेकेट लगाया मैंने इसके बाहर, जब दो लगा दिए तो स्टूडेंट इसको समझना है ये क्या है, एक ही मोल है। अब ऐसे यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो है एसोसिएशन हुआ है, ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, एसोसिएशन हुआ होगा, एसोसिएशन। और एसोसिएशन होने की वजह से टू मोल से कितने मोल बने, वन मोल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई ना, मोलर मास क्या होगा इसका, कम होगा, और यहाँ पर मोलर मास बढ़ रहा है तो एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा है ना, इस बात को आप समझना। तो यहाँ से आप डेफिनेशन समझ रहे होंगे एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। तो समझो इस बात को, यहाँ पर ये एसोसिएट कैसे हुआ होगा, तो सिंपल सिंपल सी बात है कि ये CH3COOOH इसमें बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आगे भी हम इसको अभी डिस्कस करेंगे OH, एंड इस तरह से CH3, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, इस तरह से इनके बीच में क्या बन जाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये पूरा एक मॉलिक्यूल दिखाई देगा हमको, एक मोल, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से एक मोल हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर। तो समझो एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन मोलर मास या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, मोलर मास आइदर हायर और लोअर, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे मोलर मास क्या हो रहा था, यहाँ पे मोलर मास क्या हो रहा है, यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू हायर आ रही है और यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू लोअर आ रही है इस वाले में। तो हायर और लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू या एक्सपेक्टेड जो हमारी वैल्यू थी उससे, नॉर्मल वैल्यू से क्या हो गया, तो उसे हमने बोला एबनॉर्मल मोलर मास, यानी मोलर मास क्या हो गया, नॉर्मल नहीं रहा, एबनॉर्मल, या हम उसी को बोल देते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मीनिंग अभी हमने समझा, इसमें हो क्या रहा है, सपोज हमारे पास यहाँ पर ये एक बीकर है और हमने इसमें क्या रखा है, हमने टू मोल लिया है एसिटिक एसिड, यानी हम इसको 2CH3COH लिखेंगे, ठीक। अब इस सॉल्यूशन में हमने इसको डिसॉल्व कर, इसने एसोसिएट किया सॉल्यूशन के अंदर और बना दिया COH का होल ट्वाइस, हम इसको इस तरह से लिख सकते, समझ में आ रही है बात सभी को, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, इस तरह से ये दो मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, अभी हमने समझा एसोसिएशन, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई इनके बीच में, इस तरह से इनमें हुआ एसोसिएशन CH3COOH, और यहाँ से ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से एसोसिएट करेगा CH3, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पर ये हमने टू मोल लिए और यहाँ पर ये एक पूरा एक ही मोल बनता है, ये क्या है, वन मोल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर जो हमने सॉल्यूट है ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, फिर से हम बता रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के केस में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट ने क्या कर लिया सॉल्यूशन में, एक्सपेरिमेंटली देखा गया एसोसिएशन क्या हो, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन ड्यू टू दिस डिक्रीज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या आती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने सोची थी कि इतनी होगी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है इस केस में, यानी एसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है। अरे बस समझ में सभी को, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरी बात, सेकेंड हमारे पास है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब टूटेंगे मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होता है, इस वाले में यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, है ना, सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन, सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन में बढ़ेंगे। अब इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस अब इसकी वजह से जब नंबर बढ़ रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ड्यू टू दिस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी बोल देंगे हम इसको, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वही एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सपोज चलो अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक NaCl, तो NaCl क्या मैंने लिया यहाँ पर, समझना ये 1 मोल है और इसको मैंने इस सॉल्यूशन में डाला, 1 मोल NaCl को मैंने सॉल्यूशन में डाला, तो ये टूटेगा कैटायन यानी Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूटेगा, क्लियर है बात। तो देखो आयनों को हम 1 मोल मानते हैं, जैसे ये 1 आयन है तो 1 मोल के बराबर है, और ये भी एक एनायन है तो ये भी 1 मोल के बराबर है, तो यहाँ 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं स्टूडेंट, टोटल यहाँ पे हमें 2 मोल मिलते हैं, तो 2 मोल क्या है, बढ़ रहा है मास यहाँ पर, ये इसका मास बढ़ा सोल्यूट का, यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का इस सोल्यूशन के अंदर मास बढ़ गया है, और मास बढ़ने से क्या होगा, हम बात करेंगे इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर बात करने के लिए अब एक साइंटिस्ट आया जिसको हमने बोला वानटॉफ, ठीक है, और वानटॉफ फैक्टर ने कुछ वैल्यू फिक्स करी जिसको हम अभी आगे देखेंगे, इसको नोट कीजिए। तो यहाँ से जन्म होता है वानटॉफ फैक्टर का, नोट कीजिए, अब देखना है स्टूडेंट वानटॉफ फैक्टर। तो वानटॉफ फैक्टर क्या होता है, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी इस पर, वो बताया एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं डिसोसिएशन। अब एबनॉर्मलिटी किस वजह से आती है, आपको पता है, या तो यहाँ पे क्या होता है एसोसिएशन होगा, या फिर क्या होगा यहाँ पर डिसोसिएशन होगा। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन से एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी बिफोर द डिसोसिएशन एसोसिएशन के पहले जो प्रॉपर्टी थी, दोनों के रेशियो को मे हैव द वैल्यू आइदर मोर देन 1, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा भी आती है या 1 से कम भी आ सकती है, फिक्स कर लिया उसने कि 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी, तो इसके रेशियो को हमने क्या बोला, वानटॉफ फैक्टर, क्लियर है बात। तो वानटॉफ फैक्टर आई हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वानटॉफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई का मतलब है आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, समझना इस बात को, यानी जो आई हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर डिसोसिएशन, ऊपर होगा डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद, और नीचे के जो रेशियो हम लिखते हैं बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या हम ये भी कह सकते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है और नीचे जो नॉर्मल जो हमारी एक्चुअल थी, इन दोनों के रेशियो को हमने बोला आई, और आई की वैल्यू हमने निकाला। सपोज हमारे पास CaCl2 है, इसमें पूछ रहा है आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, ये क्या है CaCl2 जब पूरा मॉलिक्यूल है तो ये क्या है 1 मोल है स्टूडेंट, ध्यान देना यहाँ पे सारे स्टूडेंट, और यहाँ पे देखो एक कैटायन बना और ये 2 बने, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं तो 2 एनायन हो गए, यहाँ पे कोई भी नंबर स्टोइकियोमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है 1 मोल और यहाँ पर ये क्या है 2 मोल, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, ध्यान रखना 100% यहाँ पर ये टूट रहा है, तो हम इसको बोलेंगे डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन होने से यहाँ पर ये बने दोनों। अब देखो आई को निकालना है
तो कहता है आफ्टर डिसोसिएशन, तो यहाँ पे हम आफ्टर डिसोसिएशन लिखेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन, और नीचे आएगा बिफोर डिसोसिएशन। तो ईजिली आप इसमें आई की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल है। क्या करेंगे, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू आफ्टर डिसोसिएशन देखो वन मोल और ये टू मोल, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, और यहाँ पहले क्या था, वन मोल। तो देखो तीन मोल आ रही है और तीन मोल एक से ज़्यादा है, यानी ऑलवेज जब डिसोसिएशन होगा, ध्यान रखना क्या हो रहा है यहाँ पर, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू मोर देन वन होती है। इन द केस ऑफ द डिसोसिएशन आई वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन में जो आई की वैल्यू होती है वो मोर देन वन होती है, यानी एक से ज़्यादा आती है। डिसोसिएशन के केस में देखो यहाँ थ्री आई ना, तो थ्री क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन, और ये क्या थी, पहले वन थी, तो एक से ज़्यादा आ रही ना थ्री, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन अब थ्री ज़्यादा आ रही है, आप ऐसे भी पता लगा लेंगे यहाँ पे क्या था, वन मोल था और डिसोसिएशन के बाद टू ओवर एन थ्री मोल आ गया, ठीक है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक दो एग्जांपल और देखिए यहाँ पर, इसको नोट कर लिया होगा आपने, अब सपोज यहाँ पे हमने बी एस सी एल टू लिया स्टूडेंट, बी एस सी एल टू, ठीक। अब ये भी ये करता है 100% डिसोसिएशन, तो ये बनाएगा बी ए प्लस टू सी एल निगेटिव। अब बताइए आप सोचो इसके बारे में कि ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, कैसे टूटेगा। तो सिंपल है कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है वन मोल और यहाँ पर ये बना टू मोल, यहाँ पर क्या था, ये ओनली वन मोल ही था, यानी वन मोल से थ्री मोल बनना है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर ये ऊपर डिसोसिएशन यानी वन प्लस थ्री और नीचे क्या है वन है, तो यहाँ पर सॉरी वन प्लस टू, तो यहाँ पर मिलेगा थ्री और वन, यानी आई की वैल्यू हमेशा याद रखना मोर देन वन आती है इन द केस ऑफ द डिसोसिएशन। अब मान लो हमने एसोसिएशन की बात कर ली, तो एसोसिएशन में देखो क्या है, अगर आप एसोसिएशन की बात करते हैं तो एसोसिएशन में आपने एसिटिक एसिड ले लिया और बेंजीन में डिजोल्व कर दो, बेंजोइक एसिड ले लो चाहे आप, तो एसिटिक एसिड लिया मैंने CH3COH, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये क्या करेगा, CH3COH जो है ये इस तरह से यहाँ पे आएगा 100% एसोसिएशन। अब यहाँ पे टू मोल है, ये ऐसे बनेगा CH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH या फिर COH COCH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। अब ये क्या, पूरा एक मॉलिक्यूल बना, एसोसिएशन हो गया तो ये वन मोल बना, ठीक है ना। तो इसके लिए आई की वैल्यू आप अगर निकालते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आफ्टर एसोसिएशन ऊपर आता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन का टर्म, और नीचे बिफोर एसोसिएशन। अब समझो यहाँ पर ये बिफोर एसोसिएशन टू मोल था, आफ्टर एसोसिएशन वन मोल आ गया, तो अब समझना जो वैल्यू आई की वैल्यू आएगी वो आई की वैल्यू इसके लिए कैसे निकालेंगे आप, आई इक्वल्स टू देखो ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ पे कितनी थी पहले टू मोल है और यहाँ पर अब क्या हो रही है वन मोल हो रही है ना। तो आफ्टर एसोसिएशन वन मोल और नीचे क्या है टू मोल, या आप इसको टू मोल एक्चुअल कहते नहीं है तो इसको वन मोल भी मान लेते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इसमें क्या होता है, टू मोल बोला तो यहाँ पे वन आ रही है, इससे कम आ रही है, तो ये वैल्यू इस तरह से
आप ध्यान रखेंगे कि एसोसिएशन में ऐसा होता है और डिसोसिएशन में इस तरह की वैल्यू आती है, ठीक, इसको नोट कीजिए। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर H2SO4 दे दिया आपको, तो देखो H2SO4 टूटेगा 2H पॉजिटिव और SO4 में, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है। अब देखो इसके लिए I की वैल्यू आप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिसोसिएशन, ऊपर क्या आएगा डिसोसिएशन, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 है, दिस इज द 1 मोल। अब 1 मोल के बाद देखो यहाँ पर ये 2 है, तो 2 मोल ये हो गया, और यहाँ पे SO4 कोई स्टोक्योमेट्री नहीं है, लिखा नहीं है, तो दिस इज द 1 मोल। तो यहाँ पर डिसोसिएट करने के बाद आपको देखो क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर 2 और ये 1 यानी 3, और डिसोसिएशन से पहले 1 था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और 1, यानी I की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, मोर देन 1 डिसोसिएशन में, ध्यान रखना। ऐसे ये डाइमर दे दिया कोई आपको, मान लो 2 है, 2 मोल है, इसके क्या होंगे, 2 मोल होंगे। अब डाइमर के लिए देखो क्या होगा, I की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये डाइमर में क्या होगा, एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन, और एसोसिएशन से क्या बनेगा, A2। तो A2 जब ऐसे लिखा होता तो एक ही मॉलिक्यूल होगा, जुड़ गया ना ये आपस में तो एक मॉलिक्यूल बना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर तो एक ही मॉलिक्यूल है और डाइमर 2 शुरू में लिए थे स्टोकोमेट्री 2, तो 1/2, तो डाइमर के लिए ये आती है, 1/2 किसके लिए होगी, हमेशा ध्यान रखना डाइमर के लिए। अगर मैं यहाँ पे ट्राइमर यूज़ कर लूँ, ट्राइमर, और ट्राइमर में क्या हो जाए, एसोसिएशन हो जाए 100%, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3A मॉलिक्यूल यानी 3 मोल है, यहाँ पर कितने मोल होंगे, 3 मोल, और 3 मोल क्या होंगे, एसोसिएट होकर 1 ही मोल होंगे, और ये क्या होगा, 1 मोल। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये 1 मोल और नीचे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/3, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं तो ये हो जाएगा ट्राइमर के लिए। अगर हम ले लें 4A टेट्रामर, तो टेट्रामर में 4A यानी 4 मोल है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएशन होगा, तो एसोसिएशन से A4 मतलब 1 मोल ही बनेगा ये, तो यहाँ पर I की वैल्यू स्टूडेंट आएगी कितनी, 1/4, तो 1/4 वैल्यू किसकी होती है, टेट्रामर की होती है। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ध्यान रखना आप इसको 3 मत समझना, अगर A3 लिखा हुआ है, 2 ये 3 मॉलिक्यूल्स ऐड होकर 1 ही बन जाते हैं, 1 मोल के बराबर होता है, अगर यहाँ पे नंबर आगे लिखा होता है तो हम इसको 3 मोल बोलेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आपसे पूछता है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन को आप कैसे समझाओगे, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग यहाँ पे होता क्या है, हम अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के लिए हम अल्फा यूज़ करते हैं, तो ये कहता है 1 मोल जो है अल्फा एसोसिएशन के या अल्फा डिसोसिएशन के बराबर होना चाहिए, 1 मोल की वैल्यू हम अल्फा मान लेते हैं। अब मैंने क्या करा, एसिटिक एसिड लिया, इसको हम 1 मोल ही बोलेंगे, 1 ही बोलेंगे, ठीक है, हम वहाँ पर 2 यूज़ कर रहे थे लेकिन यहाँ पर 1 बोलेंगे हम इसको, तो ये इसने क्या करा होगा, एसोसिएशन क्या होगा, और इसने इस तरह का ये डाइमर बनाया हुआ है, तो इनिशियली तो 1 मान लिया मैंने इसका 1 मोल, ठीक, अभी 0 ही रहेगी। अब इसने करा यहाँ पे क्या क्या, एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, तो एसोसिएशन 1 में से ही तो कर रहा है ना, तो 1 माइनस अल्फा करेंगे, क्योंकि अल्फा क्या है, हमने एसोसिएशन का मोल माना है, तो अब ध्यान रखना उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे उस वैल्यू को, क्योंकि इतने में से ही तो एसोसिएशन होगा, जितने में से होगा उसमें से माइनस करेंगे, तो कितना होगा, देखो यहाँ पर डाइमर बन रहा मतलब 2, तो अल्फा/2 बोल दिया हमने, पहले का अल्फा/2 रहेगा, तो आफ्टर एसोसिएशन और इनिशियल, तो आफ्टर एसोसिएशन आपको देखो 1 माइनस अल्फा और अल्फा/2 वैल्यू मिली, इनिशियल हमने ली थी 1, ये तो 1 हमने दोनों का रेशियो निकाला, आपको मिलेगा 1 माइनस अल्फा/2, ठीक है, बात 1 माइनस अल्फा/2 आपको वैल्यू मिल जाती है किसकी, इस तरह से डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। इसी तरह से देखते हैं, नोट कीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नोट कर लो, ठीक है, आगे समझ में, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन में हमेशा ध्यान रखना है आपको कि इस तरह से एसोसिएट होकर ये डाइमर बना रहा है, फिर से बता रहा हूँ आपको, जैसे इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 1 है,
तो जीरो रहे। अब आफ्टर एसोसिएशन होगा तो वन माइनस एल्फा रहेगा, और कितने में से हो रहा है, देखो दो डाइमर बनने तो अल्फा अपॉन टू, यहाँ पे आफ्टर एसोसिएशन और इनिशियल वैल्यू, ठीक आफ्टर एसोसिएशन ये वाला पूरा लिखेंगे और फिर उससे रेशियो निकालेंगे, वन है यहाँ पे तो जीरो है, तो आपको मिलेगा ये, ठीक कर लीजिए नोट इसको। अब स्टूडेंट देखना है हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने यहाँ पे लिया NaCl, ठीक है तो NaCl क्या करेगा, Na पॉजिटिव और Cl में क्या होगा डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl में क्या होगा डिसोसिएट। इनिशियल मैंने वन मोल बोला इसको, क्या बोला वन मोल, ठीक उसके बाद अभी जीरो रहेगी कंसंट्रेशन। आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिस